वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉय डिजिटल लैब। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार का लिंक मतलब डीबीटी से लिंक कौन सा अकाउंट है। आपके यहाँ अगर किसी का भी गवर्नमेंट स्कीम से पैसा आता है तो वो चाहे वो एलपीजी का सब्सिडी हो या कोई किसान वाला सब्सिडी हो, वो किस खाते में जाएगा और आधार आपका किस खाता से लिंक है, ये चेक करने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आना आपको क्रोम ब्राउज़र में। आप ये काम अपने मोबाइल कंप्यूटर दोनों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए अपने ब्राउज़र में और यहाँ टाइप कीजिए आधार। आप जैसे आधार लिख कर एंटर करेंगे तो सबसे पहला वाला जो आएगा उसे ओपन करना है। और यहाँ माय आधार सेक्शन में आधार सर्विस का सेक्शन है, यहाँ चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ आपको चाहे तो आप वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं और आधार नंबर भी। तो मेरे पास अभी आधार नंबर है तो आधार नंबर ही डालेंगे। तो मेरा आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड यहाँ डाल देना है जो यहाँ दिख रहा है, जो कि है Y8ZZ4। और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी करना है। यहाँ दिखा रहा है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो आपका जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गया होगा, वो यहाँ आपको डाल देना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके आधार में कौन सा नंबर लिंक है तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही ओटीपी डाल कर सबमिट करेंगे, यहाँ आपको दिखा देगा कि आपके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट मैप किया गया है, जिसमें कि आपका कोई भी सरकारी स्कीम या किसी भी तरह का गवर्नमेंट फंड का पैसा जो आएगा आपका किस बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ मेरा दिख रहा है कि आपका IDBI बैंक से लिंक है। इसी तरह से आपका जो भी बैंक लिंक होगा, चाहे वो स्टेट हो, बड़ौदा हो या कोई और भी बैंक हो, यहाँ आपको दिख जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आधार से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।